दोस्तों आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम का तीसरा मुकाबला कल यानी कि 5 अप्रैल को खेला जाएगा जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगा। वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा आरसीबी की टीम की दो बड़ी अपडेट्स। ग्लेन मैक्सवेल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर आरसीबी फैंस के लिए निकल कर आई है। इसके अलावा आरसीबी स्क्वाड में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है, तो कौन है खिलाड़ी मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप लोग आरसीबी की टीम के फैन हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करना, साथ ही में इस वीडियो को आप लोग देखिएगा बिल्कुल लास्ट। दोस्तों इस आईपीएल सीजन में अपनी फैंटेसी टीम विंसो ऐप पर बना रहा हूं। विंसो ऐप को चलाना बहुत इजी है और आप लोग यहां पर अच्छा पैसा जीत सकते हो। अभी तक आईपीएल में जितने भी मुकाबले हुए मैंने विंसो ऐप पर खेले और बहुत ही अच्छे पैसे मैंने जीते हैं। दोस्तों खास बात यह कि अगर आप लोगों को टीम बनाने में कंफ्यूजन हो रही है तो यहां पर आपको एक्सपर्ट देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक्सपर्ट की टीम चुननी है और आप लोग भी यहां पर पैसे जीत सकते हो। आज हैदराबाद और लखनऊ के मुकाबले के लिए मैंने तो अपनी फैंटेसी टीम विंसो ऐप पर बना ली है। आप लोग भी विंसो पर अपनी फैंटेसी टीम बनाइए और आप लोग अपनी विनिंग यहां पर पेटीएम और किसी भी यूपीआई के थ्रू बहुत ही इजी से विथड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप लोग अभी विंसो ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 50 रुपए का कैश बोनस मिलेगा, तो देर किस बात की, आप लोग भी फटाफट विंसो ऐप को डाउनलोड कीजिए। दोस्तों अभी तक आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम का परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, एक मुकाबला जीती एक मुकाबला हारी है। पॉइंट टेबल की हम बात करें तो नंबर 7 पर आरसीबी की टीम मौजूद जरूर है, लेकिन अगर आरसीबी की टीम एक और मुकाबला जीत जाती है यानी कि कल राजस्थान रॉयल्स को हरा देती है तो आरसीबी की टीम टॉप 4 में एंटर कर सकती है। अभी तक आरसीबी की टीम ने जो दो मुकाबले खेले हैं वो ग्लेन मैक्सवेल, जॉस हेजलवुड इन दोनों ही प्लेयर्स के बगैर खेले हैं, लेकिन आरसीबी की टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहा है और हेजलवुड मैक्सवेल की प्लेइंग 11 में आने से आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आज की बड़ी अपडेट की बात करें तो पहली बड़ी खबर जुड़ी है आरसीबी स्क्वाड को लेकर। आरसीबी स्क्वाड में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है, नए बल्लेबाज यानी कि रजत पाटीदार की आरसीबी की टीम की स्क्वाड में एंट्री हुई है। लवनीत सिसोदिया की रिप्लेसमेंट बने हैं और आरसीबी की टीम ने ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट भी कर दी है। इंजरी के कारण लवनीत सिसोदिया आईपीएल 2022 से बाहर हो चुके हैं। रजत पाटीदार जो कि पहले भी आरसीबी की टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम के लिए खेलेंगे। आपको दोस्तों कैसे लगे आरसीबी की टीम की ये रिप्लेसमेंट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों बात करें यहां पर आरसीबी की टीम की तरफ से निकल कर आ रही दूसरी बड़ी अपडेट की, तो ये ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी एना के बारे में, ये 2010 से यहां बने हुए हैं। क्रिकेट फुटबॉल जैसे 150 प्लस गेम खेलकर आप यहां पर लाखों रुपए जी सकते हो। इनके इंडिया में 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस है और ये फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 24/7 का विड्रॉवल मिलता है। इनके टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी, जहां पर आपको ज्वाइन करने पर बहुत सारा बोनस भी मिलेगा, तो भी आप लोग ज्वाइन कीजिए रेडी एना। ग्लेन मैक्सवेल की बड़ी खबर की बात करें तो ये आरसीबी फैंस और आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जो इनका 3 दिन का क्वारंटीन है वो कल पूरा कर चुके हैं और आज ही आरसीबी की टीम के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि आज से ग्लेन मैक्सवेल अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे आईपीएल 2022 के लिए। और अब सवाल ये है कि क्या राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अभी दोस्तों पूरी तरीके से कंफर्म कहीं भी नहीं हुआ है, ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसके ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। आरसीबी फैंस होप करेंगे ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल हो जाए ताकि प्लेइंग 11 में इनकी जगह बन सके, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर ऑफिशियली अब तक कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। अपडेट मिलते ही आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। आप लोग दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही आरसीबी की टीम के अपडेट्स के लिए आप लोग बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।